दिल्ली जयपुर नेशनल हाईवे पर घने कोहरे के चलते एम्बुलेंस और पिकअप गाड़ी की जोरदार टक्कर हो गई। हादसे में एम्बुलेंस ड्राइवर गंभीर रूप से घायल हो गया तो वहीं परिचालक की मौके पर ही मौत हो गई। टक्कर इतनी भयंकर थी कि एम्बुलेंस के परखच्चे उड़ गए। आपको बता दें कि दिल्ली जयपुर नेशनल हाईवे पर रेवाड़ी की सीमा में कसोला चौक से थोड़ा पहले घने कोहरे के चलते एक एम्बुलेंस पिकअप गाड़ी से जोरदार जा टकराई। टक्कर इतनी भीषण थी कि एम्बुलेंस के परखच्चे उड़ गए। गाड़ी में मौजूद चौहान अशफाक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उसके साथी शेख रियाज को भी गंभीर चोटें आईं। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लिया तथा दूसरे घायल व्यक्ति को अस्पताल में भर्ती कराया। मिली जानकारी के अनुसार गुजरात के भरूच निवासी शेख रियाज और बड़ोदरा निवासी चौहान अशफाक दोनों भरूच के सरकारी अस्पताल में एम्बुलेंस चलाते हैं। शुक्रवार को दोनों गुजरात में रहने वाले उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग निवासी शिव सिंह पवार के रिश्तेदार की डेड बॉडी लेकर उत्तराखंड के लिए चले थे। शनिवार सुबह दोनों ने राजस्थान की सीमा क्रॉस की और हरियाणा में एंट्री कर गए। जैसे ही गाड़ी कसोला चौक के समीप पहुंची तो पिकअप में जा टकराए और यह भीषण हादसा हो गया। सर क्या कुछ पूरा मामला है जो एक्सीडेंट हुआ है? ये कोई डेड बॉडी लेके जा रहे थे, अल्मोड़ा का रहने वाला था, गुजरात में कुक का काम करता था, अचानक हार्ट फेल हो गया था। तो उससे गुजरात के ये लोग एम्बुलेंस के दो ड्राइवर आए हुए थे साथ और इनको जाना था उत्तराखंड। तो क्या कुछ कारण सामने आया जो एक्सीडेंट? एक्सीडेंट धुंध के कारण, फॉग की वजह से एक्सीडेंट हुआ था। और मतलब साइड एक गाड़ी ने, जो पिकअप वाले ने साइड मार दी तो अनबैलेंस होके वो सीधी उसमें पिकअप में लगी, उसमें एक की मौत हो गई है और एक घायल है। जिसकी मौत हुई कहाँ का रहने वाला था? ये गुजरात का रहने वाला है। तो ये गुजरात से और उत्तराखंड जा रही थी? हाँ, उत्तराखंड ये डेड बॉडी छोड़ने के लिए जा रहे थे एम्बुलेंस लेके। एम्बुलेंस का ड्राइवर था, ये दो ड्राइवर गए हुए थे, एक एक्सपायर हो गया। जो चालक था वो एक्सपायर नहीं हुआ, जो साथ में बैठा था हेल्पर वो एक्सपायर हो गया। चालक की हालत कैसी है सर? चालक की हालत ठीक है, चोट तो लगी हुई है। जो भी डॉक्टर साहब, जो MLR के हिसाब से जो भी अभी कार्रवाई की जाएगी। हाँ, एक्सीडेंट हुई थी, वो डेड बॉडी उसी में थी। उसके परिवार वालों को उसी टाइम बुला के डेड बॉडी उनको सौंप दी थी।